हेलो। हेलो, ठीक है। आज काइनेमेटिक्स क्लास 11th का काइनेमेटिक्स का डीपीपी डिस्कस करेंगे। डीपीपी नंबर 1 काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना दे रखा है, पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम विथ स्पीड वी वन। टोटल टाइम का जो पहला हाफ है वो वी वन स्पीड से ट्रेवल करता है, एंड सेकेंड हाफ टाइम विथ स्पीड वी टू। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, है ना। ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, टोटल जर्नी तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। पहला हाफ जो है मतलब टोटल टाइम, अगर टी लेता है, टोटल टाइम कितना ले रहा है अपना, टोटल टाइम अगर टी ले रहा है तो पहला हाफ टाइम मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लिया, टी वन टाइम लिया, जिसका वैल्यू कितना है, टी बाई टू है। पहला हाफ जो है वो वी वन स्पीड से ट्रेवल करता है और दूसरा हाफ जो है वो वी टू स्पीड से ट्रेवल करता है। ये वी टू स्पीड से ट्रेवल करता है और वी टू स्पीड से ट्रेवल करने में टाइम कितना लेता है, टी बाई टू टाइम लेता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं, डी वन, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग सपोज कर सकते हैं डी टू। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रखा है, डी वन प्लस डी टू, और टोटल टाइम कितना लिया है, टी बाई टू, टी वन प्लस टी टू, इसमें भी टाइम कितना ले रहा है, टी टू, और टी वन प्लस टी टू हम कर सकते हैं टाइम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंडा क्लियर है अपना, है ना। अच्छा, डी वन हम निकालेंगे तो हम लोग पता है डी वन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना ट्रेवल किया है, वी वन इंटू टी वन। अच्छा, वी वन, टी वन का वैल्यू कितना दे रखा है, टी बाई टू दे रखा है, तो क्या कर लेंगे, टी बाई टू कर देंगे। सेम डी टू भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, वी टू इंटू टी टू बाई टू। और टोटल टाइम कितना है, टी वन प्लस टी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, टी वन प्लस टी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टी। अब अपन सारा वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी वन इंटू टी बाई टू प्लस वी टू इंटू टी बाई टू डिवाइड बाई टोटल टाइम टी। अच्छा, टी बाई टू है तो हम टी कॉमन ले लेंगे, टी कॉमन ले लिया, इधर भी टी हो गया, तो ये क्या हो गया, वी वन बाई टू प्लस वी वन वी टू बाई टू, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू बाई टू, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इधर साइड ना दिख रहा हो तो हम साइड में लिख देते हैं क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू बाई। कुछ जानने वाला तो नहीं है, फर्जी है मामला, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जो कोई डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसमें आधा जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो वी वन स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वी वन। तो यहाँ से यहाँ अगर टोटल डिस्टेंस ए है, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस टू डी है, तो ए से भी ध्यान से देखेंगे, ए से बी डिस्टेंस क्या लेंगे, डी ले लेंगे, और बी से सी का डिस्टेंस क्या ले लेंगे, ये भी डी ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, वो बोल रहा है कि टोटल फर्स्ट हाफ जो है, टोटल डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ जो है वी वन से ट्रेवल कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं टाइम कितना लग रहा होगा ए से बी जाने में, ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा होगा उसको हम टी वन टाइम ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या देख रखा है, सेकेंड हाफ, अब सेकेंड हाफ में कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, वन थर्ड टाइम ऑफ वन थर्ड टाइम इज वी टू, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में मान लेते हैं यहाँ एक कोई पॉइंट ले लेते हैं डी पॉइंट, है ना, यहाँ से बी से डी चला है वो कितना, वी टू से चला है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, डी वन डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना। तो डी वन डिस्टेंस मतलब बी से डी जो चला है वो, अब यहाँ से यहाँ आने में टी वन टाइम लिया, यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम जो ले रखा है वो मान लेते हैं टी ले रखा है, टी का कितना, बी से डी जाने में टी का वन थर्ड टाइम ले रहा है, कितना ले रहा है, टी का वन थर्ड टाइम। तो डी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, डी वन का वैल्यू हम साइड में यहाँ पे कहीं लिखते रहते हैं, है ना, इधर साइड में लिखते रहते हैं, डी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी वन का वैल्यू हो जाएगा, डी वन का वैल्यू हो जाएगा वी टू इंटू टी बाई थ्री, ठीक है। अब रिमेनिंग टू थर्ड जो टाइम है कितना, मतलब डी से सी जाने में जो टाइम ले रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, टू टी थर्ड बाई थ्री टाइम ले रहा है।
अच्छा तो डी टू का वैल्यू कितना आने वाला है? डी टू का वैल्यू अपन इजिली सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दे रखा है रिमेनिंग 2/3 जो है। अब डी से सी जाने में जो गाड़ी है कितने से चल रहा है, V3 से चल रहा है, तो V3 कितना हो जाएगा, 2T/3 हो जाएगा। अच्छा एक चीज हम जानते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने को पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, वी एवरेज नीचे लिख देते हैं, वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम होता है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो 2D है, तो ये हो गया 2D। और टोटल टाइम कितना ले रहा है, यहां से यहां टाइम लिया T1, तो ये कर दिया T1, प्लस यहां से यहां जो टाइम ले रखा है कितना ले रहे हैं, T ले रहा है, तो ये कर दिया T। अच्छा अगर हम T1 का वैल्यू लिखेंगे तो T1 को D के टर्म में हम रिप्लेस करना, मेरे देखो D1 + D2 अगर हम यहाँ पे करें तो D1 + ये जो यहाँ से यहाँ B से D D1 है और D से C क्या है D2 है, तो D1 + D2 साइड में हम कर रहे हैं, D1 + D2 जो है इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, D के बराबर आ रहा है। और D1 का वैल्यू लिखेंगे V2 × T/3 प्लस V3 × 2T/3 इक्वल टू क्या हो रहा है, D हो रहा है। यहाँ से अगर T को हम कॉमन ले लें तो टी कॉमन लेते ही क्या होता है, ये V2 + 2V3 / 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। तो टी का वैल्यू क्या आ रहा है, 3D / V2 + 2V3। अच्छा अपने पास टी का वैल्यू निकल गया, अब अपन T1 का वैल्यू निकालेंगे। तो T1 का वैल्यू निकालना भी कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं, क्योंकि यहां से यहाँ जो ए से बी ट्रेवल करने में टाइम कितना ले रहा है, T1 टाइम ले रहा है, और ए से बी अपने के पास डिस्टेंस कितना दे रखा है, डी डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी V1 × T होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, V × T1 सॉरी T1 होगा। अच्छा तो T1 का वैल्यू निकालेंगे तो T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, D/V1 हो जाएगा, ये T1 का वैल्यू। और ये देखो T का वैल्यू आ गया और T1 का वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे। तो दोनों वैल्यू अगर हम रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू दोनों वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2D/D1 का वैल्यू कितना है, D/V1 + D2 का वैल्यू कितना है, 3D/V2 + 2V3। अच्छा यहाँ से हम D कॉमन ले लेंगे तो 2D/D कॉमन 1/V1 + 3/V2 + 2V3। अब DD का आंसर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/ ये एलसीएम लेंगे तो V2 + 2V3 × 3V1, और एलसीएम क्या हो जाएगा, ये V1 × V2 + 2V3। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो सारा एवरेज कितना आ जाएगा, 2 × 2V1 × V2 V2 + 2V3 / V2 + 2V3 + 3V1, ये क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन करोगे तो हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अब 3 देख लेते हैं, ठीक है इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, अ पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट स्पीड 4 m/s फॉर 2 सेकेंड, देन विद 6 m/s फॉर 3 सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड इन द गिवन टाइम इंटरवल। बहुत लल्लू सवाल है ये, मतलब ये सॉल्व करना मतलब तोहीन है ये, है ना, इतना लल्लू सवाल सॉल्व करना, मतलब इस तरह के मतलब फर्जी क्वेश्चन तो हम इंट्रोडक्शन में ही बता देते हैं, इस तरह के लल्लू सवाल। चलो देख लो ध्यान से, नज़रें बोर्ड पर होनी चाहिए। ठीक है इधर देखते हैं, अब बोला है पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद कॉन्स्टेंट स्पीड 4 m/s, देन अलग क्या है यार, क्या है दे रखा है, एक कोई पार्टिकल है ना, पार्टिकल को हम कार बना लेते हैं, ये कार जो है मूव किया 4 m/s से, 4 m/s से ट्रेवल किया है कितने सेकंड के लिए, तो हम एक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा D1, कितने टाइम के लिए मूव किया, तो T1 टाइम, जिसका वैल्यू कितना दिया है, 2 सेकंड।
ठीक है, फिर जो है ये देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कार ट्रेवल करने लगा कितने स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड से, कितने स्पीड से 6 मीटर पर सेकेंड से फॉर 3 सेकेंड, है ना, कितने सेकेंड के लिए, तो T2 टाइम ले लेते हैं कितने सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए। अच्छा यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा हम D2 ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब पूरा ही जर्नी का हमसे क्या पूछ रहा है, पूरा जर्नी का हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो वी एवरेज का वैल्यू कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखे हैं, D1 + D2 है अपना टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना ले रहा है, T1 + T2 ले रहा है टोटल टाइम। अच्छा हम साइड में लिख देते हैं D1 का वैल्यू कितना होगा, D1 = V1 × T1 होगा, तो V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू 4 है, T1 का वैल्यू 2 है, तो D1 कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। अब सेम तरीके से D2 हम निकालेंगे तो D2 = क्या होगा, V2 × T2 होगा, D2 का वैल्यू कितना दे रखा है, V2 का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड और T2 कितना है, 3, तो कितना आ जाएगा, 18 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, D1 + D2 अपन सॉल्व कर देंगे तो D1 कितना है, 8, और ये कितना है, 18 डिवाइड बाय टोटल टाइम, 3 × 2 = 5, है ना, कितना है, 3 × 2 = 5 सेकेंड ही ट्रेवल किया है ना, 8 और 18 18 8 18 कितना हो जाएगा, 8 8 16, 26/5 मीटर पर सेकेंड, ये भी एवरेज आ गया, कुछ मुश्किल नहीं था, ये बहुत लल्लू सवाल था, है ना, 9th के बच्चे कर लेते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, फिर थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा टफ है, उसके तो सिंगल करेक्ट दे रखे हैं सारे, सिंगल करेक्ट में तो कुछ दम होता नहीं है, सिंगल करेक्ट के क्वेश्चंस में दम मतलब थोड़ा सा सोचने पड़ते हैं, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 4 भी, तो हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, बोला पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द टाइम विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। देख लो इस बार थोड़ा गेम बदल दिया, पहले जो गेम था उस पहले क्वेश्चन में गेम कुछ इस तरीके से था कि टोटल डिस्टेंस का हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा था, कितना, टोटल डिस्टेंस का हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा था, है ना, इस बार टोटल टाइम का हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सॉरी टोटल टाइम का हाफ ऑफ द टाइम ट्रेवल कर रहा है, ध्यान से सुनना, इस बार क्या कर रहा है, टोटल टाइम का हाफ ऑफ द टाइम ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो खेलते हैं फिर, तो हम मान लेते हैं यहां से यहां ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया हो, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम कितना ले रखा हुआ, ये टोटल टाइम ले रखा होगा, ये टाइम जो ले रखा है 30 सेकेंड ले रखा है, कितना, 30 सेकेंड। अब बोला पार्टिकल हाफ ऑफ द टाइम विद कांस्टेंट स्पीड, तो हाफ ऑफ द टाइम ये कांस्टेंट स्पीड से चला है, तो हम हाफ ऑफ द टाइम में हम जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेवल किया है रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम, रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1/4, मतलब रिमेनिंग हाफ में टाइम में जो है ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है ना, यहाँ D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया ये रिमेनिंग हाफ में, बाकी D2 या D जो मर्जी से रख लेते हैं, हम D रख लेते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, है ना, इजी क्या मतलब D2 भी रखो तो भी इजी रहेगा, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस वैसे होता नहीं है ना, डिफरेंस मतलब कोई नहीं, वेरिएबल तो अपन कुछ भी रख सकते हैं, XYZ कुछ भी रख सकते हैं। अब ये बोल रहा है क्या कि इन रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम इट ट्रेवल 1/4 डिस्टेंस, मतलब डी का 1/4 डिस्टेंस, कितना, D/4 डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस विद 4 मीटर पर सेकेंड, कितने से ट्रेवल कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है, अच्छा इस ये देखो इसमें कितने से ट्रेवल किया है, 2 मीटर पर सेकेंड से, बताना भूल गया, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखो, और बाकी जो डिस्टेंस है तो यहाँ से डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा, D1 टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है ना, बाकी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये, बाकी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, ध्यान से A B C D कर देते हैं ना, B से C जो डिस्टेंस ट्रेवल किया D/4 ट्रेवल किया और कितना, 4 मीटर पर सेकेंड टाइम लिया, और बाकी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 3/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितने से कर रहा है, वो 6 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब बोला फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, अब तुमको एवरेज स्पीड ढूंढना है कंप्लीट जर्नी का,
ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। टोटल टाइम कितना दे रहा है, टोटल टाइम देख लेते हैं। टोटल टाइम 30 सेकेंड ले रहा है, और हाफ ऑफ, ध्यान सुनना, अ पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ टाइम ट्रेवल करने में कितना ले रहा है, यहाँ से यहाँ ए से बी ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है, लिख लेते हैं ऐसे, ए से बी ट्रेवल करने में टाइम ले रहा है T/2 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत है, हाफ ऑफ द टाइम। और यहाँ से यहाँ जो ट्रेवल ट्रैक करने में टाइम लिया है, तो हम बी से सी में कितना लिख सकते हैं, बी से सी में ट्रेवल टाइम ले रहा होगा ये T1, और सी से डी में ये लग रहा होगा T2। कोई दिक्कत है, नहीं है। अच्छा, अपन जानते हैं टोटल टाइम का हाफ ऑफ द टाइम ये है, तो T1 + T2 जो होने वाला है अपने पास, वो कितना होने वाला है, T के बराबर होने वाला है ना। तो हम लोग जानते हैं, इक्वेशन से जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ टोटल टाइम T ले रहा है, और यहाँ से यहाँ टाइम T ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ में T1, यहाँ से यहाँ T2, तो T1 + T2 जो है अपने पास कितना होने वाला है, T के बराबर होने वाला है। और हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, वी एवरेज जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है अपना, टोटल डिस्टेंस जो भी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां D1 + यहां बी से डी कितना, बी से डी, अच्छा इसको बी से जो D1 किए थे D2 कर देते हैं, और यहां से यहां जो है सी से डी क्या कर देते हैं, D3। तो D2 + D3 जो है D के बराबर है, और टोटल टाइम कितना ले रहा है अपन, टोटल टाइम हम T ले रहे हैं, तो ये T लिख देते हैं टोटल टाइम। ठीक है, अब अपने को D1 D2 D3 को रिप्लेस करना है, और कुछ नहीं है। D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान सुनेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, D1 का वैल्यू कितना, फिर से एरर कर रहे हैं यार, अरे T1 + T2 T/2 होगा ना, ध्यान से T/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में T/2, तो यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से आने में T1 टाइम, और यहाँ से यहाँ जाने में T2 टाइम, तो T1 + T2 क्या हो जाएगा, T/2, एरर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लिया हम लोग। अच्छा, D1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × कितना हो जाएगा, टाइम कितना ले रहा है, T/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 × T/2। ठीक है, 2 × T/2 तो कैंसिल कर देते हैं हम यहीं पे, तो D1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T के बराबर हो जाएगा। ठीक है, D2 + D3 जो है D के बराबर है, तो D2 का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से देखते हैं D2 का वैल्यू कितना आ रहा है, इस जगह देख लेते हैं, D2 का वैल्यू कितना आएगा, D2 = velocity × time, सॉरी speed × time, तो क्या हो जाएगा, D2 कितना है, 4 × कितना, 4 × टाइम कितना दे रखे हम, T1 टाइम × T1 टाइम, है ना, 4 × T1 टाइम। ठीक है, अच्छा हम यहाँ से देख लेते हैं, तो हम D2 को हम क्या लिख सकते हैं, D/4 के बराबर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, D/4। ठीक है, तो T1 का वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या निकला, T1 = हो जाएगा D/16। सेम तरीके से T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा ये D/4 है, तो D-D/4 रिमेनिंग क्या हो जाएगा, D-D/4 कितना हो जाएगा, 3/4, D3 का वैल्यू जो है 3D/4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ टोटल टाइम D है, तो ये D/4, तो ये क्या हो जाएगा, 3D/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, 3D/4 जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितने से, 6 m/s × T2, है ना। अच्छा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, D/8 = क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और देखो T1 + T2 = किसके बराबर दिया है, T/2 के बराबर दे रखा है ना, T1 + T2 = किसके बराबर दे रखा है, T/2 के बराबर दे रखा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। D का वैल्यू यहीं से हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि D1 + D2 जो है किसके बराबर है, D2 + D3 जो है किसके बराबर है, D के बराबर है, तो यहाँ से हम D का वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, T1 + T2 = क्या हो जाएगा, T/2, है ना, T1 का वैल्यू कितना आ रखा है अपना, D/16, और T2 का वैल्यू कितना आ रखा है, D/8 = T/2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 और ये एलसीएम 16 आएगा, ये 3D/16 आएगा, हाँ या ना, और ये क्या हो जाएगा, T/2 कैंसिल हो जाएगा, 8 हो जाएगा इधर, तो T का वैल्यू कितना आ रहा है, T का वैल्यू आता दिख, D का वैल्यू आता दिख रहा है, D = 8T/3 आता दिख रहा है, D का वैल्यू, है ना। और D1 का वैल्यू कितना आ गया है,
डी वन का वैल्यू सीधा डी के बराबर आया, टी के बराबर आया। यहाँ देखो डी वन का वैल्यू किसके बराबर आया है, टी के बराबर आया। ध्यान से देखो, तो वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, डी वन का वैल्यू कितना है टी, टी प्लस डी टू का वैल्यू कितना है, डी टू प्लस डी थ्री किसके बराबर आ रहा है, डी के बराबर आ रहा है। डी टू प्लस डी थ्री, देखो डी टू प्लस डी थ्री डी के बराबर है, तो डी का वैल्यू कितना है 8t/3, 8t/3 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है टी। अच्छा टी कॉमन ले लेंगे, तो टी कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल वैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा t/t इक्वल टू 1 + 8/3, कैंसिल वैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 3 11/3 m/s। थोड़ा सा अजीब कैलकुलेशन लग रहा होगा है ना, क्योंकि एजम्पशन बहुत है। तो देखो एक बार हम ऊपर से रिकैप करा देते हैं। देखो यहाँ से यहाँ ए से बी जाने में कितना टाइम लिया है, टी बाई टोटल टाइम, अगर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में डी टी लिया है तो ए से बी जाने में कितना टाइम लिया है, टी बाई टू। अच्छा बी से सी, बी से डी जाने में टोटल डिस्टेंस डी ट्रेवल किया है ना, और टोटल टाइम कितना ले रखा है, टी बाई टू। तो बी से सी जाने में कितना डिस्टेंस ले, कितना टाइम बोल दिया टी वन, और सी से डी जाने में टोटल टाइम कितना बोल दिया टी टू। अच्छा टी वन प्लस टी टू इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम है ना, टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टी बाई टू हो जाएगा, तो डी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी वन का वैल्यू क्या, ये वाला डिस्टेंस, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 2 × t/2, तो डी वन का वैल्यू किसके बराबर है, टी के बराबर आ गया। अच्छा डी टू, ये डी टू किसके बराबर है, d/4। देखो क्वेश्चन में गिवन है डी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, कितने से चल रहा है 4, और टाइम कितना एज्यूम किया टी वन, तो टी वन है ना, तो यहाँ पे टी वन का वैल्यू आ गया d/16। ठीक है, और बाकी जो डिस्टेंस है जो कि अपना टोटल डी से डी बाई फोर हो गया, तो 3d/4 डिस्टेंस जो है डी टू जिसको बोल रहे हैं, डी थ्री जिसको बोल रहे हैं, 3d/4 कितने से चल रहा है, 6 × टाइम कितना एज्यूम किया टी टू, तो टी टू, यहाँ से टी टू का वैल्यू d/8 आ गया। अच्छा टी वन प्लस टी टू किसके बराबर है, टी वन प्लस टी टू t/2 के बराबर है, तो यहाँ से टी वन प्लस टी टू t/2 के बराबर कर दिए, और यहाँ से जो डिस्टेंस है हम टाइम के टर्म में निकाल दिया, डिस्टेंस इक्वल टू 8t/3। कोई दिक्कत है, डी वन का वैल्यू अपने पास टी आ चुका है रख दिए, और डी टू प्लस डी थ्री, ये डी टू प्लस डी थ्री कितने किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो डी के बराबर हम क्या करते हैं, और डी का वैल्यू कितना है 8t/3, तो 8t/3 कर दिए, और नीचे टोटल टाइम टी लिए थे, कैंसिल वैंसिल करने के बाद 11/3 m/s आ गया। अगर किसी को बहुत दिक्कत हो रहा है तो क्लास में आके पूछना, क्लियर कर देंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है, तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है चलो एक और देख लेते हैं। सिंगल करेक्टर बाद में देख लेंगे, जितना होना था देख लेते हैं, बहुत रात भी हो गया है ना, 1:30 हो रहा है, बाकी लेक्चर बाद में देख लेंगे। लास्ट वाला थोड़ा सा हेल्दी है, हेल्दी मतलब बहुत अधिक ही अजम्पशन है, और ध्यान से देखोगे तो कुछ मुश्किल नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं, बाकी का डीपीपी कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक,